गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ शेयर एकेडमी, जहां हम करते हैं शेयरों की खोज फंडामेंटल और टेक्निकल बेसिस पर और स्ट्रॉन्ग शेयर्स ढूंढकर उन्हें खरीद कर रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में लंबे समय तक के लिए मार्केट के मूवमेंट के अकॉर्डिंग। अगर ये चैनल आ रहा है आपको पसंद तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक शेयर और कमेंट्स अगर ये वीडियोज़ किसी भी तरह से आपकी मदद कर रहे हो। साथ ही बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हर बार जब भी नया वीडियो आता है आपको उसकी जानकारी मिल सके। वो निवेशक जो मार्केट के बारे में पढ़ना और सीखना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स के लिंक दिए गए हैं, इन लिंक्स पर जाकर आप इनका लाभ उठा सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, स्क्रीन पर आ रहे इस नंबर पर मैसेज करके हमारे मॉडरेटर्स आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। शर्त सिर्फ एक है फ्रेंड्स, कि आप ऑप्शन ट्रेडर या फिर इंट्राडे ट्रेडर नहीं होने चाहिए। सो फ्रेंड्स, एंजॉय कीजिए इस सेशन को। हैप्पी इन्वेस्टिंग। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ शेयर एकेडमी। डेट है आज 1 अगस्त, जुलाई पूरा महीना खत्म हो चुका है और रात के बजने वाले हैं 8:10 हो रहे हैं। सिर्फ 50 मिनट्स दूर हैं हम अपने लाइव सेशन से। सो लाइव सेशन से पहले हमने सोचा कि एक वीडियो कंप्लीट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो हमारी लर्न टू अर्न सीरीज़, जो कि है टेक्निकल एनालिसिस सिखाने के लिए आप लोगों को, इसी सीरीज़ का अगला वीडियो है, एक बेहद ख़ास वीडियो। इस सीरीज़ के अंतर्गत हम आप लोगों को छोटे छोटे वीडियोज़ के जरिए टेक्निकल एनालिसिस सिखा रहे हैं और ज़्यादातर टॉपिक्स कवर कर रखे हैं बेसिक टेक्निकल एनालिसिस के, और इसी के अंदर आज हम एक बिल्कुल नया वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। और टॉपिक है इस वीडियो का कंसोलिडेशन। बेसिकली बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये, अगर आप एज ए रिटेल निवेशक मार्केट के अंदर एंट्री करना चाहते हैं और टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद किसी भी शेयर में एंट्री करने के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि वजह यह है कि एक अच्छी खासी गिरावट के बाद शेयर अगर कंसोलिडेशन जोन में आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आपके प्रॉफिट मेकिंग चांसेस कहीं ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बजाय इसके कि जब एक बार रनअप शुरू हो जाए। तो ये सारी चीज़ें सुनने में आपको बड़ी अजीब सी लग रही होंगी कि आखिर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को कि बेसिकली कंसोलिडेशन है क्या और क्यों कंसोलिडेशन किसी भी शेयर में निवेश की एक तैयारी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके, तो सबसे पहले इस सेशन को शुरू करने के लिए और इस पूरी टेक्निकल एनालिसिस को सिखाने के लिए आपको जिस सॉफ्टवेयर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्रेंड्स हम हमेशा से आपको बता रखे हैं, यह ट्रेड टाइगर वर्जन है 2.5, बेहद शानदार सॉफ्टवेयर है। अगर आप अपनी टेक्निकल एनालिसिस खुद सीख कर कॉस्ट जनरेट करना चाहते हैं, अपने निवेश के लिए खुद ही फैसले करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। हालांकि मार्केट में और भी सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, आप कोई भी इस्तेमाल करें, मेन चीज़ है आपका नॉलेज। बट ये सॉफ्टवेयर बाकी किसी और सॉफ्टवेयर की कंपैरिजन में इसका यूज़र इंटरफेस काफ़ी अच्छा है। सो आपको काफ़ी अच्छी मदद मिल जाती है। बाकी जितने भी तरह के इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं, टाइप ऑफ चार्ट, जितनी भी तरह की स्टडीज़ हैं, वो सब कुछ आपको इसके अंदर मिलता है और काफ़ी अच्छी तरीके से। तो इस वजह से ये सॉफ्टवेयर कहीं बेहतर है मार्केट में अवेलेबल किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर से। ओके, सो शुरू करते हैं आज का ये सेशन जो कि है कंसोलिडेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि बेसिकली कंसोलिडेशन है क्या। ओके, कंसोलिडेट का मतलब है किसी एक जगह रुकना और इकट्ठा होना। किसी भी चीज़ का किसी भी एक जगह रुकना और इकट्ठा होना, ये कहलाता है कंसोलिडेशन। मार्केट में कंसोलिडेशन का मतलब बिल्कुल अलग है। क्या आपको पता है ये? फ्रेंड्स, हम ये मानकर चल रहे हैं कि आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है, ठीक है। अगर नहीं तो टेक्निकल एनालिसिस का हमारा ये लर्न टू अर्न सीरीज के जो इससे पहले के वीडियोस हैं, काइंडली उन्हें देखते रहिए। चूंकि ये वीडियो नंबर 15 है तो इसका मतलब है कि आपने 14 वीडियोस लगभग देख रखे हैं, तभी आपको ये सेशन समझ में आएगा। ओके, सो होता क्या है कि कोई भी शेयर ऊपरी स्तरों से जब गिरना शुरू करता है और अच्छी खासी गिरावट ले लेता है, इस गिरावट के बाद जब मार्केट में शेयर्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हैं, तो उसके बाद आमतौर पर वी शेप रिकवरी किसी भी शेयर में नहीं आती। अच्छी खासी गिरावट के बाद शेयर कुछ समय तक एक पर्टिकुलर हायर लेवल और लोअर लेवल के बीच में झूलता रहता है, धीरे धीरे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। इस जोन में दरअसल झूलने के दौरान उसके साथ होता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या? कि पहली चीज़ ये मानकर चलिए कि शेयर फंडामेंटली स्ट्रांग है, ठीक। सो फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर ऊपरी स्तरों से गिरा, अब मार्केट में इस शेयर को कोई खरीदना नहीं चाहता। फिर क्या होता है, कुछ समझदार लोग, इंस्टीट्यूशनल निवेशक या फिर समझदार निवेशक जो हैं, जिन्होंने इस शेयर की स्टडी की और उन्हें इसके फंडामेंटल्स अच्छे लगे, वो क्या करते हैं, इस शेयर को थोड़े थोड़े बाय करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर उन्हें खरीदना है 1 करोड़ शेयर, तो हर दिन वो तकरीबन इसके 25-30 हज़ार शेयर खरीदते रहते हैं। थोड़े से खरीदने से शेयर थोड़ा ऊपर जाता है, फिर कोई आकर सेल करता है, शेयर फिर नीचे आता है, फिर वो निचले स्तरों पर 10 लाख 20 लाख शेयर और खरीदते हैं, फिर शेयर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर वो थोड़े से शेयर्स और खरीदते हैं। तो इन रेगुलर छोटी छोटी खरीदारियों की वजह से शेयर एक जोन के अंदर घूमता रहता है। अगर आप लोगों को याद हो अच्छी तरह से फ्रेंड्स, तो विजय केड़िया जी का जो वीडियो हमने डाला था, मार्केट गुरु निवेश के आसान नियम, उसके अंदर विजय केड़िया जी ने यह चीज़ क्लियर बताई थी कि एक बड़ा चंक शेयर का खरीदने के लिए
हम धीरे 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 शेयर्स खरीदते रहते हैं, 3 महीने 6 महीने 9 महीने तक धीरे धीरे शेयर्स खरीदते रहते हैं और तब तक शेयर के अंदर कोई मूवमेंट नहीं होता। बेसिकली जब भी कभी भी आपको कंसोलिडेशन जोन दिखता है तो ये कंसोलिडेशन जोन शेयर के अंदर आने वाली धीरे धीरे छोटे छोटे चंक्स में खरीदारी का संकेत होता है और कंसोलिडेशन जोन ये बताता है कि इसके बाद शेयर में किसी भी एक दिशा में बहुत शानदार मूवमेंट होगा। ध्यान रखिए, कंसोलिडेशन जोन ये कभी भी नहीं बताता कि शेयर यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, शेयर दोनों तरफ किसी भी तरफ जा सकता है। कंसोलिडेशन जोन सिर्फ ये बताता है कि मार्केट में शेयर के अंदर कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं हो रहा है। इम्पॉर्टेंस क्या है कंसोलिडेशन जोन की एक निवेशक के तौर पर आपके लिए? अगर शेयर फंडामेंटली स्ट्रांग है, आपने उसे लंबे समय तक अपने रडार पर रखा है और शेयर ऊपरी स्तरों से अच्छी खासी गिरावट ले चुका है, ध्यान रखिए फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर अगर ऊपरी स्तरों से अच्छी खासी गिरावट ले चुका है, अच्छी खासी गिरावट अगर किसी भी शेयर में हो जाती है ऊपरी स्तरों से और शेयर फंडामेंटली स्ट्रांग है और इसके बाद अगर शेयर धीरे धीरे एक अच्छे खासे जोन के अंदर कंसोलिडेट होता है, कंसोलिडेशन के समय आपको शेयर पर नज़र रखनी चाहिए। कंसोलिडेशन के बाद शेयर के पास में एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस जोन होता है। जब भी शेयर इस रेसिस्टेंस जोन को ब्रेक करे कंसोलिडेशन के बाद और ऊपर की तरफ निकले, साथ ही अगर कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट के बाद शेयर में वॉल्यूम भी मिल जाए आपको नीचे, यानी ब्रेकआउट विद वॉल्यूम अगर मिल जाए कंसोलिडेशन के बाद, तो ये समझिए कि ये पर्टिकुलर लेवल है जब आपको शेयर में एंट्री करनी चाहिए। इसीलिए फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर्स में कंसोलिडेशन जोन जब भी कभी भी आपको दिखता है, हमेशा आपको ऐसे शेयर्स को अपने रडार पर रखना ही चाहिए। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि कंसोलिडेशन के बाद शेयर या तो ब्रेकआउट देकर ऊपर निकल सकता है या ब्रेकडाउन देकर नीचे जा सकता है, इसलिए आपको ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, उसके बाद ही उसका इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पर हम सिर्फ कंसोलिडेशन जोन की बात कर रहे हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है? कई बार ऐसा होता है कि कुछ शेयर तो 1 या 2 महीने कंसोलिडेट करते हैं, कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जो 6-6 महीने तक कंसोलिडेट करते रहते हैं, एक ही जोन के अंदर घूमते रहते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? इसका एक्सप्लेनेशन ये है फ्रेंड्स कि कंसोलिडेशन जोन जितना लंबा होगा, जितना बड़ा, उसके बाद आने वाला मोमेंटम उतना ही लंबा होगा। कंसोलिडेशन जोन जितना छोटा होगा, उसके बाद आने वाला मोमेंटम उतना ही छोटा होगा। इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, ओके? अब हम लेते हैं कुछ एग्जांपल्स जहां पर कि शेयर कंसोलिडेट हो रहा है, उसके बाद उसे चार्ट पर देखेंगे कि कंसोलिडेशन का अच्छा एग्जांपल और उसका एक्सप्लेनेशन क्या है। सबसे पहले 3M इंडिया, ध्यान से देखिए, अच्छे खासे रनअप के बाद शेयर ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा गिरता है और बीच में एक जोन के बीच में फंसता है। कौन सा जोन है ये? ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, ऊपरी स्तरों पर जोन है 4000, निचले स्तरों पर है 3500 का। इस जोन के बीच में शेयर धीरे धीरे कंसोलिडेट कर रहा है और सबसे लास्ट में सबसे बेहतरीन एग्जांपल है कंसोलिडेशन का, जहां पर कि 3M इंडिया देखिए एक जोन के बीच में फंसा हुआ है कॉन्टिन्यूसली धीरे 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 धीरे। और कितना लंबा जोन है जरा इसे देखिए, 23 दिसंबर 2013 से, यानी दिसंबर 2013 से मई 2014, पूरा का पूरा 6 महीने करीब शेयर कंसोलिडेट होता रहा, कहीं भी नहीं गया, एक ज़रा से जोन के बीच में फंसा हुआ, ऊपर नीचे होता रहता है। फिर क्या होता है, अचानक से शेयर अपने जो ऊपरी स्तर हैं रेसिस्टेंस, इसे तोड़ता है और धीरे धीरे चलना शुरू करता है। नाउ ये जो मोमेंटम मिला, इस मोमेंटम में आप अगर ध्यान से देखिए तो नीचे आपको थोड़े थोड़े वॉल्यूम्स भी दिखाई दे रहे हैं, ओके? ये एक वॉल्यूम यहाँ पर, ये वॉल्यूम यहाँ, ये वॉल्यूम्स। सो ब्रेकआउट हुआ है वॉल्यूम के साथ। कंसोलिडेशन जोन ये आपको सामने दिखा, इस कंसोलिडेशन जोन के बाद शेयर ने ब्रेकआउट दिया और इस कंसोलिडेशन जोन के बाद जब शेयर ब्रेकआउट देता है तो उसके बाद रनअप देखिए कितना अच्छा होता है और कितने शानदार तरीके से शेयर ऊपरी स्तरों तक जाता है। सो ये हो गया फ्रेंड्स 3M इंडिया। अब देखते हैं हेक्सावेयर को, जो कि करंटली हमारी बाय लिस्ट में है। नाउ हेक्सावेयर को हमने करंट बाय लिस्ट में रख रखा है अपनी, और क्यों रख रखा है ज़रा ध्यान से इसके करंट मोमेंटम को देखिए। ये आज के दिन है हेक्सावेयर की जब आप बाय कर सकते हैं, ऐसा क्यों है?
जरा इस पर्टिकुलर पार्ट को ध्यान से देखिए, यहां पर क्या हो रहा है हेक्सावेयर में। ओके, ऊपरी स्तरों पर शेयर है 360 और निचले स्तरों पर है तकरीबन 340। सो 360 से 340 के बीच में शेयर कॉन्टिन्यूसली धीरे 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 करके झूल रहा है, ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा, ज्यादा नीचे नहीं जा रहा, लगातार। अगर आप इसे कंपेयर करेंगे इसके पिछले मोमेंटम की कंपैरिजन में, ठीक है, जैसे ये एक अप ट्रेंड आ रखा है, इससे अगर आप इसे कंपेयर करेंगे तो ये कंसोलिडेशन जोन के बीच में है, धीरे 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 कंसोलिडेट हो रहा है। ठीक, इस कंसोलिडेशन के बाद जब भी शेयर ब्रेकआउट देगा हेक्सावेयर का, तो उसके बाद इसके पास में ऊपरी टारगेट्स तकरीबन 409 के, करंट लेवल है शेयर का 357 या 360, यहां से जब शेयर निकलेगा तो 409 तक करीब करीब 15% तक का रिटर्न देगा, और ये इंपॉर्टेंस है कंसोलिडेशन जोन की। ओके, देन कम्स अदानी गैस। ध्यान से देखिए इस पर्टिकुलर एरिया को, जहां पर कि अदानी गैस इसे एक छोटे से जोन के अंदर, कितना जोन है, 103 ऊपर और 91 नीचे, 10% के अंदर शेयर धीरे 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 करके कंसोलिडेट होता रहता है, फिर अचानक से एक दिन इस कंसोलिडेशन जोन के पार निकलता है। न केवल कंसोलिडेशन जोन के पार निकल रहा है बल्कि नीचे आपको वॉल्यूम भी मिल रहा है, ब्रेकआउट विद वॉल्यूम। और कितना लंबा कंसोलिडेशन जोन रहा है, 1, 2, 3, 4 चार महीनों तक शेयर लगातार कंसोलिडेट होता रहा है। उसके बाद जब ब्रेकआउट दिया तब देखिए शेयर कहां से कहां पहुंचा, ये लेवल है 105 के, 105 रुपए से बढ़ता हुआ शेयर 150 रुपए, लगभग 50% का रिटर्न दिया शेयर ने। ओके, देन एलकैम, सेम यही कंडीशन है, ध्यान से देखिए इसे, एक बेहतरीन कंसोलिडेशन जोन है शेयर के पास, कैसे, ऊपरी स्तरों तक जाने के बाद शेयर ऊपरी स्तरों से गिरता है, निचले स्तरों पर आकर एक सपोर्ट लेता है, सपोर्ट के साथ एक बेहतरीन कंसोलिडेशन जोन के अंदर फंसता है। ये इतने हिस्से को ध्यान से देखिए, इस बीच में शेयर कंसोलिडेट हो रहा है कॉन्टिन्यूसली धीरे 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 धीरे, और देन ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के साथ राउंडिंग बॉटम पैटर्न कंप्लीट करता है, थोड़ा सा बीच में आपको वॉल्यूम भी मिलता है, शेयर ने ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट के बाद देखिए क्या शानदार रनअप दिया है शेयर ने, कहां से कहां पहुंचा, 1867 से भागता हुआ शेयर 2300 तक जाता है, बेहतरीन रनअप है शेयर के अंदर। सेम ऐसे ही ऑटो एक्सेल, ओके, ये ध्यान से देखिएगा इस रनअप को और इस रनअप से पहले आने वाले शेयर के अंदर इस कंसोलिडेशन जोन को। निचले स्तरों से धीरे धीरे चलता हुआ शेयर कंसोलिडेट करता है और किन लेवल्स पर, तकरीबन 778 से लेकर 693, यानी अप्रॉक्सीमेट 10% का यहाँ भी कंसोलिडेशन जोन है। इस कंसोलिडेशन जोन में शेयर धीरे 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 चलता रहता है, और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है कि इस कंसोलिडेशन जोन में बीच बीच में आपको कहीं कहीं वॉल्यूम मिलता रहता है। ये वॉल्यूम बेसिकली इंडिकेट क्या कर रहा है, ये वॉल्यूम इंडिकेट कर रहा है कि कोई होशियार इंसान या कोई इंस्टीट्यूशन आकर बीच बीच में इसमें खरीदारी कर रहे हैं, बड़े बड़े वॉल्यूम के साथ खरीदारी कर रहे हैं, और जैसे ही खरीदारी खत्म होती है, मार्केट से शेयर की सप्लाई खत्म हो गई, यानी अब और शेयर नहीं बचे हैं मार्केट में, तो जिस चीज़ की सप्लाई कम उसकी डिमांड ज़्यादा और उसका रेट ज़्यादा, और शेयर रॉकेट बन जाता है अपने लेवल से। और किस तरह का रॉकेट बना, ये आपके सामने अवेलेबल है, दिख रहा है ना रनअप, 1721 से शेयर 1700 लेवल तक पहुँच जाता है, डबल हो जाता है। ओके, देन एक्सिस बैंक, मोर और लेस सेम कंडीशन एक्सिस बैंक के अंदर भी, ध्यान से देखिए इसे, बेहतरीन कंसोलिडेशन जोन है, कैसे, 494 से लेकर 520, लगभग 5-6% का, चूंकि एक्सिस बैंक एक बड़ा शेयर है, फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर है, इसलिए इसके कंसोलिडेशन जोन भी बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते, ये शेयर्स 20-25% में कंसोलिडेट नहीं करते, ये 5-6% में कंसोलिडेट करते हैं। ओके, कंसोलिडेशन जोन के अंदर शेयर है, बीच बीच में देखिए थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम मिलता रहता है, कोई इंसान होशियार जो है, समझदार है, वो खरीद रहा है शेयर को। कंसोलिडेशन जोन जैसे ही कंप्लीट हुआ, कंसोलिडेशन शेयर करीब 5-6 महीने तक कंसोलिडेट किया था, अचानक से आपको वॉल्यूम मिलता है और ब्रेकआउट मिलता है शेयर के अंदर, वॉल्यूम के साथ फ्रेश ब्रेकआउट मिलता है, उसके बाद शेयर देखिए कहाँ गया, 533 रुपए से 611 रुपए, करीब करीब 18-19% का रिटर्न मिला शेयर के अंदर। ठीक, सो ये है इंपॉर्टेंस कंसोलिडेशन जोन की। देन चंबल फर्टिलाइजर देख लेते हैं, छोटा सा कंसोलिडेशन जोन था, कितने दिनों का, 1, 2, 3, 4 चार महीने का कंसोलिडेशन जोन, बेहतरीन कंसोलिडेट हो रहा है शेयर,
अच्छे लेवल्स के बीच में। कंसोलिडेशन जोन के बाद सेम यही चीज़, क्या ब्रेकआउट और वॉल्यूम। ज़रा इस वॉल्यूम को ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, इतना वॉल्यूम आपको पीछे यहाँ कहीं नहीं मिला है ना। सो जब भी कभी कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट होगा और वॉल्यूम मिलेगा ब्रेकआउट के बाद, उसके बाद तो शेयर रॉकेट हो जाएगा। और देखिए क्या भागा है शेयर चंबल फर्टिलाइजर। देन कम्स डॉनियर, ये रहा इसके कंसोलिडेशन का पार्ट। सेम वही कंडीशन है, कोई और चीज़ नहीं है, ये सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं ताकि इन एग्जाम्पल से आप अच्छी तरह से सीख सकें। टेक्निकल एनालिसिस फ्रेंड्स बेहद आसान है, बशर्ते आप प्रैक्टिस करें। ये एक प्रैक्टिस की चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा सीखने की चीज़ नहीं है, ये प्रैक्टिस की चीज़ है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना इन्फॉर्मेशन बढ़ती जाएगी, उतना तजुर्बा होता जाएगा और उतना आपका एनालिसिस बेहतर होता जाएगा। ये वॉल्यूम दिख रहे हैं आपको बीच बीच में, लगातार शेयर कंसोलिडेट होता रहता है। कहाँ? 26 से लेकर 31 के बीच में, तकरीबन 15% के बीच में कंसोलिडेट हो रहा है। देन कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट, और इंपॉर्टेंट चीज़ उम्मीद है कि आप लोगों ने वो वीडियो देख रखा है हमारा, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन क्या होता है। वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट मिला और उसके बाद शेयर के अंदर रनअप देखिए, ठीक है। सो बेसिकली फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंस है कंसोलिडेशन की। और अगर लेमैन लैंग्वेज में कहें तो कंसोलिडेशन असल में तरीका है कि जब कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, उस समय जब एक बार ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल गई तब उसे पकड़ने की कोशिश मत कीजिए। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी है तब उसे देखते रहिए। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म से चलना शुरू करे और आपको इंडिकेशन मिल जाए कि ट्रेन के पहिए घूमने लगे हैं, इंडिकेशन कहाँ से मिलेगा? वॉल्यूम से। और ट्रेन चलना शुरू कर दे तब आप ट्रेन में चढ़ जाइए, रनअप ले लीजिए, 10, 15, 20, 50% का रिटर्न लीजिए और उसके बाद बाहर निकल आइए। ये है प्योर टेक्निकल एनालिसिस, और टेक्निकल एनालिसिस का वो पार्ट जिसे हम कहते हैं कंसोलिडेशन, जो कि होती है निवेश की तैयारी। यही वो समय होता है कंसोलिडेशन जोन, जब आप तैयार हो जाते हैं अपना कैश लेकर कि ये शेयर ब्रेकआउट देने वाला है और अब आपको इसके अंदर खरीदारी करनी है। ओके फ्रेंड्स, कितनी देर का सेशन है? 16 मिनट्स का। एक छोटे से सेशन से आपको ये जानकारी मिल जाती है कि आपको डोनियर में यहाँ पर बाय करना है। 16 मिनट के अंदर आपको ये पता चल गया कि आपको 3M इंडिया में इन जगहों पर बाय करना है, हेक्सावेयर के अंदर करंट लेवल्स पर बाय करना है, अदानी गैस में ये लेवल है बाय करना है। तो अगर 16 मिनट आपके निवेश के तरीके को बदल सकते हैं, आपके ट्रेड करने के तरीके को बदल सकते हैं, आपको एक एक्स्ट्रा एज दे सकते हैं, जिसे नहीं पता इसके बारे में वो जहाँ चाहे वहाँ खरीद सकता है, बट आपको पता है इसलिए आप सही मौके का और सही जगह का इंतज़ार करते हैं, सही निवेश करते हैं डिसिप्लिन के साथ में, तब आपको मिलने वाले रिटर्न किसी एक ऐसे निवेशक की तुलना में जिसे इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके रिटर्न से बहुत ज़्यादा बेहतर होते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो उम्मीद है कि जो ये सेशन है इसे थोड़ा बहुत भी आप इम्बाइब करेंगे, इससे कुछ सीखेंगे और इसे अपने निवेश के लिए, अपनी ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर बताइए फ्रेंड्स कुछ ऐसे शेयर्स के नाम जो आपको लग रहा हो कि आज के दिन, आज के समय में कंसोलिडेशन की तैयारी कर रहे हैं या ब्रेकआउट देने के लिए तैयार हैं, कंसोलिडेशन जोन के अंदर हैं। आपके कमेंट से हमें पता चलेगा फ्रेंड्स कि आगे आने वाले सेशंस के अंदर हमें नॉलेज कितना ज़्यादा डीप या फिर कितना हल्का रखना है। अगर सेशंस पसंद आ रहे हैं फ्रेंड्स तो जुड़े रहिएगा इन सेशंस के साथ। आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। उम्मीद है कि सेशन आपको पसंद आया होगा। अब आप हमारी मदद भी कर सकते हैं स्क्रीन पर आ रहे इस पेटीएम नंबर पर, साथ ही आप चाहें तो गूगल पे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना और अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रखिए। शेयर एकेडमी एक ईमानदार कोशिश है नॉलेज शेयरिंग की। मार्केट में चल रहे लाखों रुपए के सेमिनार में दिया जाने वाला नॉलेज हम यहाँ पर आपके साथ फ्री में शेयर करते हैं। सो जुड़े रहिए शेयर एकेडमी के साथ और हमेशा याद रखिए फ्रेंड्स दैट मनी नेवर स्लीप्स। थैंक यू वेरी मच।